students welcome in the lecture on metal pi complexes uh, and in this lecture we will discuss about metal dinitrogen complexes तो बच्चों आपका स्वागत है इस मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस के लेक्चर में जहां पर हम मेटल डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे और इससे पहले आपने देखा था कि हमने कार्बोनल्स और नाइट्रोसिल्स के बारे में डिस्कस किया था कैसे उनमें बॉन्डिंग होती है कैसे हम उनको प्रिपेयर करते हैं एंड वट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोनल्स एंड नाइट्रोसिल्स उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि जो डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं और आप देखेंगे जो डाई नाइट्रोजन है वो यानी एन टू डाई नाइट्रोजन का मतलब एन टू एन टू भी जो है वो लिगेंड की तरह एक्ट कर सकता है और फॉर्मेशन ऑफ मेटल डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस हो सकता है इनका फॉर्मेशन हो सकता है इजीली पढ़ेंगे कि कैसे हम Uh, जो मेटल डाई नाइट्रोजन हैं उनको प्रिपेयर किया जा सकता है uh, किस तरीके से उनमें बॉन्डिंग होती है और उनकी क्या एप्लीकेशन होती हैं इन डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस की अब देखिए अगर हम N2 लिगेंड को देखें अगर एन टू एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है क्यों करता है क्योंकि ये आईस्यू इलेक्ट्रॉनिक है एनओ प्लस एंड सीओ लिगेंड की तरह तो ये N2 जो है वो है वो के तरह क्यों है क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं फाइव ओके फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक नाइट्रोजन के पास और दूसरी नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सो एन टू हैज टोटल टेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और अगर हम एनओप्लस को देखेंगे तो एनओ के पास फाइव इलेक्ट्रॉन है और ओ के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो टोटल अगर इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे इलेवन होंगे लेकिन एनओप्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो कितने होंगे टेन इलेक्ट्रॉन अगर हम सीओ इलेगेट को देखें तो सीओ सी के पास सिक्स फोर इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टेन इलेक्ट्रॉन लेकिन अगर हम डाई नाइट्रोजन को अगर देखें तो डाई नाइट्रोजन उतने स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता जितने स्टेबल कॉम्प्लेक्स प्लस NO एंड लिगेंड बनाते हैं क्यों होता है ऐसा क्योंकि नाइट्रोजन को अगर आप देखेंगे दोनों आइटम्स क्या है एन है यानी एक होमोन्यूक्लियर स्पेसीज है डाई स्पेसीज है जहां पर दोनों नाइट्रोजन एक से होते हैं सो इट लैक्स पोलैरिटी इसमें पोलैरिटी की कमी होती है तो ये क्या करता है इसकी टेंडेंसी कम होती है पाई एक्सेप्टर लीकेंड की तरह तो जहां पर आप देख सकते हैं कि एनो प्लस प्लस चार्ज होने की वजह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर है सीओ से भी अधिक अच्छा पाई एक्सेप्टर है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये जो एन है इसमें पोलैरिटी की कमी होने की वजह से इट इज नॉट एज गुड एप एक्सेप्टेड एज एन ओ प्लस एंड सीओ अगर हम फर्स्ट डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स देखें जो कि सिंथेसाइज uh, किया गया था ट्रांजिशन मेटल का तो वो रुदीनियम का डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स देखें देखिए जो रुदीनियम का जो कॉम्प्लेक्स है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से नहीं बनाया गया था लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें जो कि वर्ड का कॉम्प्लेक्स है यह पहला डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है जिसे एन टू से प्रिपेयर किया गया था डाई नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया गया था और अगर हम इस कॉम्प्लेक्स uh, को देखें तो ये पहला डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है जो कि मोलिबेनम का होता है और मोलिबेनम का स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोलिबेनम uh, है वो नाइट्रोजेनेज एंजाइम का एक स्पेशल पार्ट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल है तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स uh, है मोलिबेनम का ये एक मॉडल हो सकता है

जो कि डायरेक्ट नाइट्रोजन से सिंथेसाइज़ नहीं किया गया था लेकिन ये जो कोबोल्ट का कॉम्प्लेक्स है यहां पर आप देखेंगे कि ये नाइट्रोजन से डायरेक्ट यूज करके प्रिपेयर किया गया और मोलीबीडेनम का पहला कॉम्प्लेक्स जो था वो ये था जो डाई डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स था अब यहां पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है तो आपको मैंने बताया जो रुदेनियम का जो डाइनाइट्रोजन uh, कॉम्प्लेक्स था वो पहला डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स था जो कि बनाया गया था जो सिंथेसाइज किया गया था लेकिन इसको कैसे बनाया गया इट इज इट वॉज सिंथेसाइज बाई द रिडक्शन ऑफ कॉमर्शियल रुदेनियम ट्राईक्लोराइड सॉरी दिस इज ट्राइक्लोराइड एक्चुअली सो रुदेनियम ट्राईक्लोराइड हाइड्रोजेन से जब रिएक्शन की गई एक्वस सॉल्यूशन में 1965 तो 1965 तो में ही पहला डाय नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया गया था लुदेनियम ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजेन की रिएक्शन से ये बनाया गया था और जो पहला मैंने आपसे कहा कि जो कॉम्प्लेक्स था जैसे ये कोवाल्ट का, को का जो कॉम्प्लेक्स था वो डायरेक्ट नाइट्रोजन की रिएक्शन से बनाया गया था तो आप देख सकते हैं ये वो कॉम्प्लेक्स हैं जिन्हें डायरेक्ट नाइट्रोजन की रिएक्शन से बनाया जा सकता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉस्टफिन कॉम्प्लेक्स जिसकी डायरेक्ट नाइट्रोजन से जब रिएक्शन करते हैं तो डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है फिर आप एक और मेथड देखेंगे प्रिपरेशन का जहां पर आप देख सकते हैं कि जो डाई नाइट्रोजन लिगेंट जो है वो इजीली डिस्प्लेस किया जा सकता है बाय वाटर तो अगर हम एक तो ये फर्स्ट डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स ले लें और एक हम ले लें यहां पर एक्वा कॉम्प्लेक्स एक्वा अमीन कॉम्प्लेक्स यानी यहां पर नाइट्रोजन नहीं है तो हमने एक्वा अमीन कॉम्प्लेक्स लिया और साथ में यहां पर हमने डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स लिया जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो इस एच टू को रिप्लेस किया और एन टू ने इन दोनों को जोड़ दिया तो आप देखेंगे ये डाई न्यूक्लियर स्पेसीज है जहां पर दो रुदिनियम सेंटर्स हैं और ये एक डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बन गया डाई न्यूक्लियर यहाँ पर दो रुदीनियम सेंटर्स है Uh, एक और मेथड है जहां जिसकी हेल्प से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक्चुअली देर आर लॉट ऑफ मेथड्स बट आई हैड टेकन सर्टेन मेथड्स विच आर वेरी इजी सो हम इसको जो डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है उसको नाइट्रस ऑक्साइड से भी बना सकते हैं आप देख सकते हैं ये रुदेनियम का एक कॉम्प्लेक्स है इस रुदेनियम के कॉम्प्लेक्स की जब जिंक एच से रिएक्शन की जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एच एक्चुअली जब हम इसको एक्वस मीडियम में ले जाएंगे तो ये एक एक्वा कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है इसकी अगर नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है रुदीनियम का डाईनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स तो डाई कॉम्प्लेक्स बनाने के जो मेन मेथड मैंने आपको बताया एक जो पहला जो मेथड था वो रुदीनियम ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोजीन से रिएक्शन थी दूसरा आपने देखा डायरेक्ट नाइट्रोजन की रिएक्शन विद सम कॉम्प्लेक्सेस तीसरा आपने देखा कि डायन्यूक्लियर स्पीसीज बनाई जा सकती है डाईनाइट्रोजन की और नाइट्रस ऑक्साइड से भी डाईनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जा सकता है अब हम देखेंगे व्हाट आर द मोड ऑफ बॉन्डिंग इन डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स क्स तो डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस में मोड ऑफ बॉन्डिंग क्या होते हैं अगर हम डाई नाइट्रोजन लिगेंड को देखेंगे तो ये दो मोड्स के थ्रू जुड़ा रहता है मेटल के साथ या तो ये टर्मिनल हो सकता है या ब्रिज्ड हो सकता है जो हमने कार्बोनिल्स के केस में भी देखा था और नाइट्रोसिल्स के केस में भी देखा था कि जो जो कार्बोनिल या नाइट्रोसिल्स थी वो टर्मिनल भी हो सकती थी ब्रिज्ड भी हो सकती थी उसी तरीके से जो डाई नाइट्रोजन है इट मे बी टर्मिनल इट मे बी ब्रिज्ड लेकिन टर्मिनल और ब्रिज्ड को अगर हम देखेंगे तो यहां पर दो मोड और है बच्चों टर्मिनल में और ब्रिज में दो मोड और है, वो हैं वो है एंड ऑन एंड साइड ऑन मोड तो एंड ऑन और साइड ऑन मोड जो है वो टर्मिनल में भी मिलेगा और ब्रिज्ड नाइट्रोजन में भी मिलेगा अगर हम इसको देखें देखिए एम एन ट्रिपल बॉन्ड एन तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एम के टर्मिनल में एन टू प्रेजेंट है जैसे कार्बोनिल प्रेजेंट होती है ये जो सिचुएशन है ये एंड ऑन टर्मिनल है और एंड ऑन टर्मिनल में आप देखेंगे इसे हम ईटा वन से दिखाते हैं क्योंकि एक जो नाइट्रोजन है उसके थ्रू एम जुड़ा हुआ है ठीक है और इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं हम इसको कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है एम डबल बॉन्ड एन क्योंकि एम और एन के बीच में यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है

अगर हम ब्रीजिंग को देखें तो आप ब्रीजिंग देखेंगे ब्रीजिंग एंड ऑन ब्रीजिंग है एंड ऑन ब्रिजिंग का मतलब है कि एक एम देखिए ये डाई न्यूक्लियर स्पीसीज में होगी जो ब्रिजिंग है वो हमेशा डाई न्यूक्लियर या पॉली न्यूक्लियर स्पीसीज में होगी यहां पर दो मेटल सेंटर है और बीच में क्या है दो नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन के दो नाइट्रोजन है तो आप देख सकते हैं कि ये वाली नाइट्रोजन भी एक मेटल से जुड़ी है और ये वाली नाइट्रोजन भी एक मेटल से जुड़ी है इसलिए इसको हम कहेंगे ईटा वन ये वाली नाइट्रोजन भी ईटा वन है और ये वाली नाइट्रोजन भी ईटा वन है तो अगर मैं इसको लिखू म्यू डैश ईटा वन ईटा वन मतलब ये नाइट्रोजन जो है वो म्यू का मतलब है ब्रिजिंग है ये वाली नाइट्रोजन भी ईटा वन है क्योंकि एक मेटल सेंटर से जुड़ी और ये वाली नाइट्रोजन भी ईटा वन है क्योंकि ये भी एक मेटल सेंटर से जुड़ी है और ये कहलाता है एंड ऑन ब्रिजिंग अगर मैं साइड ऑन ब्रिजिंग की बात करूं तो आप देखिए एक मेटल सेंटर ये है एक मेटल सेंटर ये है तो जब भी हम ब्रिजिंग की बात कर रहे हैं तो दो से अधिक या दो मेटल सेंटर हो सकते हैं अब यहां पर हमने मेटल बॉन्ड तो नहीं दिखाया यहां पर हम ये रहे हैं कि ये मेटल भी देखिए इस नाइट्रोजन से भी अटैच्ड है इस नाइट्रोजन से भी अटैच्ड है और ये वाला मेटल भी इस नाइट्रोजन से भी अटैच्ड है इससे भी अटैच्ड है तो अगर मैं इस साइड ऑन टर्मिनल में एक मेटल और ऐड कर दूं, तो वो साइड ऑन ब्रिजिंग हो जाएगी ब्रिजिंग मतलब अब देखिए ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन इस इस मेटल के सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन इस मेटल सेंटर के साथ भी जुड़ा है तो इसकी जो होगी टू होगी इसलिए हमने ईटा टू इस मेटल के लिए लिखा है और ईटा टू इस मेटल के लिए लिखा है सो हमने लिखा है म्यू डैश ईटा टू ईटा टू क्योंकि म्यू का मतलब है कि डाई नाइट्रोजन ब्रिजिंग है लेकिन ये ईटा टू ईटा टू वे में यहाँ पर जुड़ी हुई है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि डाई नाइट्रोजन टर्मिनल या ब्रिज है टर्मिनल में वो या तो एंडोन है या वो साइड ऑन है ब्रीजिंग में भी वो एंड ऑन ब्रीजिंग हो सकती है या साइड ऑन ब्रीजिंग हो सकती है अब ये ब्रीजिंग या बॉन्डिंग ये किस तरीके से होती है इसके लिए हमें देखना होगा मॉलिकुलर डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम देखेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि इस तरीके की बॉन्डिंग डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स में कैसे मिलती है नाउ दिस इज दी दी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन ये डाई नाइट्रोजन का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है और इससे पहले लेक्चर्स uh, में मैंने आपको कार्बोनल और नाइट्रोसिल का uh, जो मोलिकल ऑर्बिटल डायग्राम है वो दिखाया था बट यहां पर आप क्या देखेंगे बच्चों कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये नाइट्रोजन के हैं लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में भी नाइट्रोजन के हैं बिकॉज एन टू इज अ डाई न्यूक्लियर स्पीसीज दो एन इसमें जुड़े हुए हैं दोनों एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सी है तो इनके ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी बराबर होगी तो इस केस में आप देखिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में है दो इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के एस ऑर्बिटल में है

थ्री बॉन्डिंग एंड थ्री एंटी बॉन्डिंग छह इलेक्ट्रॉन छह के छह इलेक्ट्रॉन कहा है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में है अब आप देखिए कि जैसे आपने देखा था कि कार्बोनिल और नाइट्रोसिल के केस में आपने देखा था जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो खाली होते हैं एनओ प्लस में अगर हम देखेंगे और सीओ में देखेंगे तो ये जो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है देआर एम टी यहां पर भी एम टी है ओके okay? और ये जो ऑर्बिटल है इसको हम क्या कहेंगे दिस इज ये है एच ओ एम ओ ये क्या हाइस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है क्या है ये एच ओ एम ओके और अगर हम इस ऑर्बिटल को देखेंगे तो ये ऑर्बिटल्स क्या है जो पाई ऑर्बिटल्स हैं ये हैं एल यू एम एंड ओ तो ये एल यू एम ओ है तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन डोनेट करेगा एच ओ एम ओ डोनेट करेगा क्योंकि ये फील्ड है और कहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं वो है एल यू एम ओ, अब हम देखेंगे बच्चों की एल यूएमओ एचओ एमओ ये किस तरीके से कार्बोनिल और नाइट्रोस्टिल से इनकी एनर्जी डिफर करती है देखिए नाइट्रोजन आसानी से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दे देना चाहिए और एल यू एमओ में यानी ये और जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स ले लेने चाहिए तो इस तरीके से ये क्या कर सकता है पाई पाइप बॉन्डिंग बना सकता है पाई पाइप बॉन्डिंग कैसे बना सकता है जैसे डाई नाइट्रोजन है अब डाई नाइट्रोजन के पास जो है एक एच ओ एमओ है तो ये मेटल को अपने एच ओ में से इलेक्ट्रॉन दे सकता है ओके और मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने एल यू एम ओ में आप देख सकते हैं एलयूएम ओ एम टी है और एच ओ भरा हुआ है तो ये बॉन्डिंग इजीली हो जानी चाहिए लेकिन ये जो बैक बॉन्डिंग है इतनी इजी नहीं होती है जितनी इजी कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल्स में होती है तो ऐसा क्यों होता है हम लिगेंट्स में डिफरेंस भी देखेंगे अब हम देखेंगे एच ओ एमओ एंड एल यू इन एन टू एन टू में एच ओ और LUMO की एनर्जी में क्या डिफरेंस है अगर हम नाइट्रोजन को देखेंगे डाई नाइट्रोजन की बात हम कर रहे हैं एन टू की बात हम कर रहे हैं तो जो HOMO होता है इसकी एनर्जी बहुत कम होती है जबकि जो कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो इसका एचओ में जो करेक्टर होता है वो कार्बन का होता है और उसकी एनर्जी क्या होगी अधिक होगी और नाइट्रोजन की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है उसकी जो एच ओ है उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है आपने देखा जो ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसीलिए आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन में जो कार्बन था उसके इलेक्ट्रॉन पेयर की एनर्जी जो थी वो क्या थी अधिक थी इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे पा रहा था अब अगर ये एनर्जी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन देना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अधिक नजदीक होगा इसकी एनर्जी कम है तो न्यूक्लियस के अधिक नजदीक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इजीली देगा नहीं अब आप देखिए एल्यूएमओ जो खाली है जिसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं उसकी एनर्जी क्या होती है हाई होती है उसकी एनर्जी तो हाई है जिसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं और जिसने इलेक्ट्रॉन देने हैं उसकी एनर्जी क्या है कम है तो ये जिसने इलेक्ट्रॉन देने हैं उसकी एनर्जी तो अधिक होनी चाहिए और जिसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके वो न्यूक्लियस के नजदीक चला जाएगा इसलिए आप देखेंगे जो नाइट्रोजन है उसमें ना तो रिडक्शन आसान है न ही ऑक्सीडेशन आसान है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एचओएमओ से देना और एलयूएमओ में लेना ये दोनों ही दोनों कठिन है अगर हम कार्बोनिल और एनओ प्लस के साथ कंपेरिजन करें तो।, तो अगर हम मैंने आपसे फिर से दोहरा रही हूं जो हो की एनर्जी होती है एन टू के केस में वो कम होती है और कम एनर्जी का मतलब न्यूक्लियस के नजदीक तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे सकता जबकि जो है उसकी एनर्जी क्या होती है कम होती है तो कम एनर्जी सॉरी इसकी एनर्जी अधिक होती है तो हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं लिए जा सकते क्योंकि ये न्यूक्लियस से क्या होता है दूर होता है तो अगर हम एन टू वर्सेज लिगेंड को देखें तो किस तरीके से एनटू बॉन्डिंग करता है और सीओ से ये कैसे सिमिलर है और कैसे ये डिफरेंट है, है तो अगर हम एन टू को देखें अगेन आप देखेंगे इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक CO सीओ दोनों में टेन इलेक्ट्रॉन है सीओ के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कार्बन एटम के पास होता है जो कि आसानी से सीओ अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देकर बॉन्डिंग कर सकता है और सीओ के पास क्या एमटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो ये जो लिगेंड है यानि सीओ है ये मेटल से उस एमटी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है कम होती है अगर एन टू को देखें एन टू के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लेकिन ये जो लोन पेयर है ये कहाँ है उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है कम है तो इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता अगर मैं कार्बोनिल से आ, क्या करूं कंपेयर करूं इसलिए एन टू जो है एक वीकर सिग्मा डोनर है एस कंपेयर टू कार्बोनिल नाइट्रोजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसके ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी तो वो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा सो इट इज वीक सिग्मा डोनर लिगेंड ठीक है अगर हम N2 के पाई एक्सेप्टर क्वालिटी को देखें तो CO की तरह N2 के पास भी एंटी ऑर्बिटल है लेकिन इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या होती है दीज ऑर्बिटल्स आर ऑफ लोअर एनर्जी एस कंपेयर टू तो द एमटी ऑर्बिटल्स ऑफ पाई स्टार ऑर्बिटल्स तो यहां पर आप देखेंगे कि जो एम टी पाई ऑर्बिटल होता है एन टू का हालांकि अधिक अप्रोचेबल है को कार्बोनिल के पाई स्टार ऑर्बिटल से क्योंकि जो एनर्जी है इसकी जो जो एन टू के पाइव स्टार ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कार्बोनिल के पाइव स्टार की एनर्जी से कम है देखिए इससे पहले जो जो मैंने मैंने आपसे पर पर डिस्कस किया था एक्चुअली बात कही थी कि ये जो एचओ एमओ है इसकी एनर्जी तो अधिक है ए, ए, कम है जो एच ओ एमओ है एन टू का लेकिन इसके एलयूएमओ की एनर्जी क्या है हाई है तो ये जो हाई और लो एनर्जी बताई है ये, ये इन दोनों का कंपेरिजन है नाइट्रोजन के अंदर कार्बोनिल से नहीं मैंने कंपेयर किया यहां पर HOMO एम ओ की जो एनर्जी है वो कम है LUMO की एनर्जी से LUMO की एनर्जी थोड़ी हाई है बट ये एन टू के बारे में बात करी थी ओके यहां पर जो मैं बात कर रही हूं बात कर रही हूं कार्बोनिल और नाइट्रोजन के पाई स्टार ऑर्बिटल की तो ये मैं कह रही हूं कि जो नाइट्रोजन का जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है इसलिए वो कार्बोनिल से अधिक अप्रोचेबल है लेकिन जो नाइट्रोजन है वहां पर दोनों नाइट्रोजन है ओके okay? तो जो दो पाई ऑर्बिटल्स हैं दोनों जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एन वन एंड एन टू में दो अगर हम नाइट्रोजन माने तो ये पहला नाइट्रोजन है ये दूसरा नाइट्रोजन है ओके okay? जबकि कार्बोनिल के केस में क्या है कि कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन के थ्रू नहीं हो पाती क्योंकि हम कहते हैं कि जो जो ऑर्बिटल खाली है वो कार्बन के करेक्टर का होता है लेकिन एम टू के के केस में क्या है कि जो पाई ऑर्बिटल एम टी है उनमें दोनों नाइट्रोजन की करेक्टरिस्टिक है तो हम ये कहेंगे कि दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए जो ओवरलैपिंग होगी जो एम और एन की जो ओवरलैपिंग होगी एम यानी एम जो इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को के पाई स्टार ऑर्बिटल को वो कम होगी एम टू सीओ स्टार क्यों कम होगी क्योंकि यहां पर तो केवल कार्बन के ऊपर कंसंट्रेटेड है दोनों पाई ऑर्बिटल लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं है लेकिन यहां पर क्या है कि दोनों जो जो खाली ऑर्बिटल हैं वो दोनों नाइट्रोजन के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसलिए ये जो बैक बॉन्डिंग होगी वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी एमसीओ में होगी सो एज अ रिजल्ट द बाइंडिंग ऑफ एन टू विद मेटल सेंटर इज लेस एफिशियंट दर्बोनेट तो इसलिए क्या होगा जो जो बैक बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के साथ मेटल दो नाइट्रोजन सेंटर है दोनों एक से, है। लेकिन एक है, तो सिर्फ इसकी से आप देखेंगे कि जो डाई नाइट्रोजन है वो उतना अच्छा पॉन्ड नहीं बना रहा है मेटल के साथ बना तो रहा है बट उतना अच्छा नहीं बना रहा है जितना कार्बोनिल बनाता है या नाइट्रोसिल बनाता है क्यों क्योंकि यहां पर यह डाइन्यूक्लियर स्पीसीज है डाइन्यूक्लियर इस का क्या हुआ उसका क्या कारण हो गया कि दोनों नाइट्रोजन एक से हैं लेकिन यहां पर क्या है कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के हैं जो जो एम ऑर्बिटल है वो भी कार्बन के ऊपर है और जो डोनर जो ऑर्बिटल है वो भी कार्बन के ऊपर है और यहां पर क्या हो गया हो गई दोनों नाइट्रोजन सेंटर्स में तो जो पाई ऑर्बिटल जो एम है वो दोनों नाइट्रोजन सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए जो बैक बॉन्डिंग होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेटल टू कार्बन एक सेंटर को दे रहा है देखिए आराम से इलेक्ट्रॉनों के तो इसलिए जो मेटल और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग

पाई बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल डी ऑर्बिटल इनटू पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ एंटू यानी जो जो मेटल जो इलेक्ट्रॉन देगा इस नाइट्रोजन को वो कहाँ देगा इस नाइट्रोजन के एल यूएमओ में देगा ओके okay? जो खाली ऑर्बिटल है और जो बैक बॉन्डिंग है वो जनरली किसके साथ अधिक होती है वो अधिक होती है जिरकोनियम होफनियम टेंटेलम के साथ जो लो वैलेंट ऑर्बिटल मेटल्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन रिच अगर मेटल होगा यानी इस मेटल सेंटर के पास अगर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी तो अगर ये सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा लो वैलेंट का मतलब है कि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी यानी जब डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बनेगा बैक बॉन्डिंग अधिक होगी कब होगी जब ये जो मेटल सेंटर है ये क्या होगा लो वैलेंट होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो पाई बैक बॉन्डिंग होगी और बैक बॉन्डिंग देखिए आयरन है रुदीनियम है कोवॉल्ट है रोडियम है इन कॉम्प्लेक्स इन मेटल्स के साथ जो जो बैक बॉन्डिंग है वो कम होगी क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर मीन्स इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है कम है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है ये तो ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएंगे बल्कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे इसलिए यहां पर पाई बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि पाई बैक बॉन्डिंग वहां पर अच्छी होगी जहां पर मेटल इलेक्ट्रॉन रिच स्पिज होगी तो ये आप देखेंगे जो बॉन्डिंग है एंड ऑन टर्मिनल नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स इसमें कैसी होती है देखिए ये मेटल सेंटर है और ये डाई नाइट्रोजन है तो ये जो आपको दिखाया हुआ देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है ये इसका फिल्ड ऑर्बिटल है यानी एच है और ये इस मेटल के एम डी ऑर्बिटल को ये एम डी ऑर्बिटल है इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो यहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और ये आप देख सकते हैं केवल

टर्मिनल आप देख सकते हैं लीनियर ज्योमेट्री यहां पर होगी अब अगर हम देखें कि जो बॉन्डिंग है साइट ऑन टर्मिनल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा यहां पर भी पाई बैक बॉन्डिंग फ्रॉम डी ऑर्बिटल टू पाई स्टार ऑर्बिटल यानी जो एल को देगा बैक बॉन्डिंग होगी लेकिन डिफरेंट मैनर में होगी ये हम साइड ऑन की बात कर रहे हैं अब आप देखिए साइड ऑन ये दोनों नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो इसकी जो बॉन्डिंग होगी देखिये ये जो है वो एचओएमओ है इस डाइनाइट्रोजन का और एच ओ इस एम टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पेयर और इस तरह से क्या बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन यहां पर दोनों नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डाई का मोलिकुलर ऑर्बिटल है और ये इसका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है यानी ये नाइट्रोजन भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए ये ईटा टू एंड टू यानी ईटा टू बॉन्डिंग है और यहां पर आप देखिए बैक बॉन्डिंग कैसे होगी ये डाई का एल्यूएमओ है और आप देख सकते हैं दोनों ही नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रही है और इस तरीके से ये जो जो मेटल का जो फिल्ड ऑर्बिटल है वो नाइट्रोजन के एल्यूएमओ यानी आ, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को क्या करेगा इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट कर सकता है इस तरीके से जो साइड ऑन टर्मिनल डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है वहां पर बॉन्डिंग होती है तो अगर हम देखेंगे जो टर्मिनल एंड ऑन है तो अगर हम टर्मिनल एंड ऑन को देखेंगे तो एक एंड होगा इसका और उस एंड पर क्या होगा एन टू लिगेंड होगा एन टू यहाँ पर सिग्मा डोनर और एक्सेप्टर दोनों की तरह एक्ट करता है टर्मिनल एंड ऑन में और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं जहां पर टर्मिनल एंड ऑन होती है प्रेजेंट टर्मिनल एंडोन को अगर आप देखेंगे तो वन मोर देन वन एंड ऑन दी एनटू लिगेंड अब जो टर्मिनल है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक से अधिक एंड टू लिगेंड भी टर्मिनल हो सकते हैं ये उसके एग्जाम्पल है, यह है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही नाइट्रोजन है जो कि टर्मिनल प्रेजेंट है एंड ऑन पोजीशन में और यहाँ पर एक से अधिक नाइट्रोजन uh, भी हो सकते हैं एंड ऑन पोजीशन पर अगर हम टर्मिनल साइड ऑन देखें तो ये जो टर्मिनल साइड ऑन नाइट्रोजन है ये बहुत आ, बहुत कॉमन नहीं है जनरली यहाँ पर क्या होता है वन साइड एन एक साइड पर क्या होगा एन जुड़ा हुआ होगा और हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं जनरली मैंने आपसे कहा स्टेबल नहीं होते हैं और दोनों नाइट्रोजन के थ्रू क्या होगा बॉन्डिंग होगी और लेस स्टेबल होंगे और एन जो है वो एक आ, पाई डोनर की तरह एक्ट करता है ये एक एग्जाम्पल है ऑस्मियम का कॉम्प्लेक्स जो कि मेटा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और आपसे मैंने कहा कि जो साइड ऑन है वहां पर दोनों नाइट्रोजन जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी और जब दोनों नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेंगी बॉन्डिंग में तो ये एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन तो ये ईटा टू टाइप का जो साइड ऑन टर्मिनल में ईटा टू इनकी हेप्टिसिटी जो है वो टू होगी अगर ब्रिजिंग एंड ऑन को हम देखें तो ब्रिजिंग एंड ऑन के केस में कभ, पर होगी ब्रिजिंग एंड ऑन वहां पर होगी जहां पर मल्टी न्यूक्लियर डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स होंगे यानी एक से अधिक न्यूक्लियर होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो आयरन है यहाँ पर दो रूधीनियम है तो इन केस में अः जहां पर मल्टी न्यूक्लियर जो मेटल सेंटर होगा वहां पर साइड ऑन एंड ऑन ब्रिजिंग हो सकती है कोई ऐसे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको यहां पर दिख रहा है जहां पर दोनों टर्मिनल और ब्रिजिंग नाइट्रोजन प्रेजेंट होती हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जिरकोनियम का कॉम्प्लेक्स है जहां पर ये टर्मिनल नाइट्रोजन है देखिए टर्मिनल नाइट्रोजन है यानी एंड ऑन और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है एंड ऑन ब्रिजिंग नाइट्रोजन भी यहां पर प्रेजेंट है तो ये एक एग्जाम्पल है इसका यहाँ पर देखिए आप एक एग्जाम्पल है जहां पर ब्रिजिंग साइड ऑन नाइट्रोजन uh, हो सकती है तो ये एक एफ ब्लॉक का जो पहला डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है समारियम का जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो एन टू है ये साइड ऑन ब्रिजिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है अब अगर हम देखें बच्चों की अगर हम इसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की स्टडी करना चाहें तो अगेन बातें वही होंगी जो बातें हमने काबोनिल में भी करी थी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्लाइटली बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ डाइनाइट्रोजन टू द मेटल सेंटर एंड बैक बॉन्डिंग फ्रॉम मेटल टू फील्ड डी ऑर्बिटल टू द एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द डायनाइट्रोजन तो ये सिंपल सी बात ये कही है कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा यानी डाइनाइट्रोजन और फिर मेटल वापस जो है इस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इस तरीके से पाई बॉन्डिंग होती है पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है डाइनाइट्रोजन के साथ जनरली जो बॉन्ड लेंथ है अगर हम फ्री नाइट्रोजन में देखें तो वो लगभग 109.1 सौ पीकोमीटर के आसपास होती है लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्सड डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स में ये लेंथ देखें तो ये 110 से 111 इलेवन पीकोमीटर तक हो जाती है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये बॉन्ड तो मजबूत होता है लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या होता है वीक होता जाता है तो इसलिए आपने देखा कि ये जो लेंथ पहले कम थी फ्री में जैसे ही ये बॉन्डेड हुआ वैसे ही ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्योंकि ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या होगा स्ट्रांग हो जाएगा अब अगर आप डाईनाइट्रोजन फ्री डाइनाइट्रोजन को देखेंगे तो ये आई आर एक्टिव तो नहीं है लेकिन ये जो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है लगभग टू थ्री थ्री जीरो सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्ब करता है और अगर आप स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी एन एन की देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो वो आप देखेंगे हंड्रेड से फोर हंड्रेड तक वो स्ट्रेचिंग क्या होगी कम हो जाएगी यानी ये टू वन सेवन जीरो से टू वन जीरो जीरो सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्ब करेंगे जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये फ्री नाइट्रोजन है अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर है ये थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि ये बॉन्ड बन गया है इसलिए ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करता है और अगर ये ब्रिजिंग होगा तो ब्रिजिंग में आप देख सकते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो गया है तो इसलिए ये और लोअर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा तो जो फ्री नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता था उससे बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी होगी टर्मिनल डाई में एन स्ट्रेचिंग और जो जो ब्रिजिंग होगी या देखिए ये तो साइडोन है और ब्रिजिंग अगर इसके आगे होगा तो ब्रिजिंग में आप देखेंगे क्योंकि यहां पर ब्रिजिंग में क्या होगा बच्चों एम एम एन 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 तो ब्रिजिंग में क्या होगा आप देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर जो बॉन्ड है जो डबल था वो सिंगल बॉन्ड करेक्टर में आ गया है तो ये और लोअर फ्रीक्वेंसी पर एब्सॉर्व करेगा तो हम इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि एन एन जो स्ट्रेचिंग है वो चेंज हो जाती है जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है अगर लीनियर है लीनियर में अगर वो एंड ऑन है तो वो हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा अगर वो साइड ऑन है तो लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा और अगर ब्रीजिंग है तो और लोअर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा अगर हम यूजेस देखें बच्चों क्या एप्लीकेशन है डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स की तो वो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो डाई नाइट्रोजन कॉम्पलेक्स है दे मे बी यूज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज एंड आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट स्पेशली एज पॉसिबल इंटरमीडिएट्स टू स्टडी the reaction दैट मे सिमुलेट नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन तो मैंने आपसे कहा जो डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस हैं स्पेशली ऑफ मोलीबेनम ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बना मॉलिबिडेनम का तो इट इज हेल्पफुल इन इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सच कॉम्पलेक्सेस क्योंकि जो सिस्टम में जो कॉम्पलेक्सेस होते हैं वो भी मॉलिबेनम मोलिब्डेनम के नाइट्रोजीनियस एंजाइम जो उसमें मोलिब्डेनम होता है और उस सेंटर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो नाइट्रोजन है वो देखिए अमोनिया में फिक्स uh, हो सकती है तो वो प्रोसेस हम इन डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों हमने पढ़ा कि डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स है क्या जहां पर मेटल डाई नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होगा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हमने कहा मेटल डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस और ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस नहीं है जैसे एनओप्लस NO और सीओ के जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस थे फिर हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कैसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स को डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं थ्रो फॉर्मेशन थ्रो द रिएक्शन ऑफ रुदीनियम ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजीन देन डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन देन रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन विद नाइट्रस ऑक्साइड फिर हमने मोड ऑफ बॉन्डिंग देखे मोड ऑफ बॉन्डिंग आपने देखे डिफरेंट थे नाइट्रोसिल एंड कार्बोनल से क्यों डिफरेंट थे डिफरेंट होने का कारण था क्योंकि यहां पर जो दो नाइट्रोजन है वो बिल्कुल एक सी है दोनों तो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सी है इसलिए इनका जुड़ने का जो जो क्रम है वो भी अलग तरीके से है तो आपने यहाँ पर देखा ये एंड ऑन टर्मिनल हो सकती है ये साइड ऑन टर्मिनल हो सकती है ये एंड ऑन ब्रिजिंग हो सकती है ये साइड ऑन ब्रीजिंग हो सकती है और ऐसा मैंने आपको बताया कि ऐसा इसलिए है कि दिख रहा है हमें कि जो दो पाई एमटी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुल्स हैं वो दोनों नाइट्रोजन के ही हैं ओके तो दोनों नाइट्रोजन के हैं तो दोनों बराबर इक्वली डिवाइडेड होते हैं तो ये एच ओ एमओ तो इलेक्ट्रॉन देता है और एलयोएमओ जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है लेकिन ये बॉन्डिंग उतनी स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि जो ये जो जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी कम होती है कार्बोनिल से तो ये अप्रोचेबल तो है बट दो नाइट्रोजन में डिवाइड होने की वजह से ये जो बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं बनाता है जितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग कार्बोनिल बनाता है जो मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था देन आपने देखा मैंने आपको बताया कि एंड ऑन का मतलब है हमेशा लीनियर होगा लीनियर का मतलब है कि यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा और ऐसे मेटल सेंटर के साथ होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे यानी जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी कम होगी तो इस तरीके से बॉन्डिंग आपको शो करी थी एंड ऑन uh, की देन आपने देखा कि जो साइड ऑन हो रहा है वहां पर इस तरीके से बॉन्डिंग होती है कि नाइट्रोजन जो है वो ईटा टू की तरह एक्ट करता है दोनों नाइट्रोजन जो है वो जुड़े हुए होते हैं मेटल सेंटर के साथ और पाई बॉन्डिंग इस तरीके से यहां पर बन सकती है फिर आपने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे टर्मिनल एंड ऑन के टर्मिनल साइड ऑन के ब्रिजिंग एंड ऑन के देन ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा जहां पर दोनों तरीके के नाइट्रोजन होते हैं टर्मिनल एज वेल एज ब्रिजिंग फिर आपने देखा ब्रिजिंग साइड ऑन का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि एप ब्लॉक एलिमेंट का है और इसमें ब्रिजिंग साइड ऑन होती है फिर आपने देखा कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वहां पर भी आप देख रहे हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन की जो स्ट्रेचिंग है उसमें इफेक्ट आ रहा है क्योंकि मेटल का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा तो ये जो स्ट्रेचिंग है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की ये क्या हो जाएगी वीकेंड हो जाएगी इसलिए आप देखेंगे जो टर्मिनल एंड ऑन है वो हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा देन साइड ऑन एंड देन ब्रिजिंग Okay. और यूजेज आपने देख ली कि क्यों ये जो डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि जो जो हम सिंथेटिक जो डाईनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं दे मे बी द रूट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन वा सच कॉम्प्लेक्सेस सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेज एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डाई ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस ओके सो थैंक यू वेरी मच